वो वाकई बदलने की कोशिश कर रहा है। ठोकर लगने के बाद तो सभी बदल जाते हैं, माफी का एहसास भी हो जाता है, लेकिन हमेशा जख्म देने वाला याद नहीं रहता। हमेशा वो याद रहता है जिससे मरहम रखा हो। अब मैं किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहती। पहली बार तो मैं समर गई थी, इस बार मैं नहीं कर पाऊंगी। है ना यार, जिंदगी में रिस्क तो लेना पड़ता है ना। रिस्क लिया था तभी तो बेघर हुई थी। अगर उस वजह से तुम कितने अच्छे लोगों से भी तो मिली, ये भी तो देखो। और मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम हमेशा दूसरों के पहल करने का इंतजार क्यों करते हैं। हम खुद से भी तो पहल कर सकते हैं ना। नहीं, मुझे डर लगता है अगर वो नहीं माने तो। और अगर मान गया तो थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचो, है ना। जिंदगी में बहुत कुछ खूबसूरत भी है, सोचना इस बारे में। चलती हूँ। अगर ऐसे ही था तो अहमद तुम उस्मान को माफ क्यों नहीं कर देती। अगर उस इंसान का रमदान जैसा जर्फ होता ना, है ना, तो मैं उसे कब का माफ कर चुकी होती। चलती हूँ। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस काम में मसरूफ हूँ, कुछ सोचने का, कुछ करने का वक्त ही नहीं मिलता।
तुम बताओ, खूब एंजॉय कर रही होगी ना घर वालों के साथ? जी बहुत ज्यादा, टाइम गुजरने का पता नहीं चलता। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम सबके साथ बिजी हो गई हो, कुछ और सोचने का करने का वक्त ही नहीं मिलता होगा। मेरा कुछ सामान था आपके घर में, रह गया उधर। कैसा सामान रखा होगा, मुझे नहीं पता। आप मुझे प्लीज वो सामान भिजवा देंगे, मेरी कॉलेज की डिग्री वगैरह उसके अंदर। मैं सोच रही हूँ कि जॉब के लिए अप्लाई कर दूँ। क्या वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं कर रही? तुम्हारा इरादा तो एमफिल करने का था ना? इरादा बदल गया मेरा। क्यों? बस वैसे, उसी के अंदर एक एनवेलप भी था। जो आपने मुझे दिया था उसमें डिवोर्स पेपर्स थे, मैं वहीं भूल आई थी। हाँ हाँ मैं भेज दूंगा तुम्हें वो पेपर्स, तुम फिक्र नहीं करो। मैं इंतजार करूंगी। ये लड़की मेरे निकाह में है, बीवी है मेरी, और अब इसकी इज्जत की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। मेरी मंगनी हो चुकी है, शादी होने वाली, फिर ये हम दोनों के बीच में कहां से आ गई? ये हम दोनों के दरमियान नहीं आई, तुम आ रही हो हम दोनों के दरमियान। तुम जानती हो तुमसे शादी का फैसला मैंने ऐना की वजह से किया था, वरना हमारे रिश्ते में कुछ नहीं है। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। आई एम सॉरी।
तुम्हें क्या लगता है ये दुनिया तुम लोगों के मुताबिक चलती है क्या? और ना ही अब ऐसा हो सकता है। नहीं रहना मुझे किसी के साथ भी, क्योंकि मेरे बस में कुछ नहीं है, लेकिन मैं नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ। जिंदगी का इतना बड़ा फैसला किया और हमें बताया तक नहीं। डैड, मैं यही बताने के लिए तो आपके पास आई हूं। पर इसकी भी क्या जरूरत थी? अमेरिका पहुंचकर हमें ईमेल भेज देती, माँ को कोई लेटर लिख देती, शायद यही अहमियत है तुम्हारे लिए अपने पेरेंट्स की। ऐसा नहीं है,
इनफैक्ट मैंने ये फैसला आप दोनों के लिए ही किया है। अगर मैं यहाँ रहूंगी तो इस सब को भुलाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मुझे परेशान देखकर आप दोनों हर वक्त परेशान रहें। इसलिए मैंने सोचा यही ठीक रहेगा। तो क्या हम डिप्रेस नहीं होंगे? ऐसा नहीं होगा, पर एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा वक्त मिल जाएगा। थर्ड यहां रहूंगी तो हर वक्त हमदान के बारे में सोचती रहूंगी। वैसे भी डैड, मैं चाहती हूँ कि किसी इंसान पर नहीं, मैं अपने फ्यूचर पर फोकस करूँ, और उसके लिए ये बहुत जरूरी है। गुड़िया बेटा, तुम फिक्र मत करो, हम ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे जो तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन जाए। फ्लाइट कब है तुम्हारी? इस वीकेंड पर। ये तो टाइम बहुत कम है, अभी तो तुमने पैकिंग भी करनी होगी ना? जी। अमजद, देखिए प्लीज गुड़िया को खुशी खुशी जाने दें, ये मत करें आप। हाँ, अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाह रही है। मैं तो चाहती हूँ कि इसके जाने से पहले ना हम एक बहुत खूबसूरत और शानदार सीना फेयरवेल पार्टी दे दें घर पे, क्या ख्याल है आपका? ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी। प्लीज बताएं क्या? हर 6 महीने बाद आओगी? मैं प्रॉमिस डैड, राम भी जब चाहे मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं। थैंक यू डैड। जा मेरी बेटी, गो एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। हैना बीबी के जाने के बाद आज पहली दफा आपके चेहरे पर हंसी देखी, वो भी हैना बीबी के जिक्र पर। इस बात का क्या मतलब है हमदानी चाचा? लाइट ऑफ ही रहने दो, अंधेरा अच्छा लगता। क्यों? अंधेरा अंदर के शोर को दबा देता है क्या? क्या कहना चाहती? यही कि
कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनकी कोई माफी नहीं होती, मगर मुझे खुशी है रजा कि तुमने एटलीस्ट कोशिश तो की। अब माफ करना ना करना तो सामने वाले पर डिपेंड करता है। खुलकर बोलो, क्या कह रही हो? मैं हमदान से मिलने गई थी, काश के ना जाती। पहले लगता था कि उस घर में मेरी अब जगह नहीं रही, लेकिन वहां जाकर पता चला कि जगह तो अब हमदान के दिल में भी नहीं रही। गुड़िया, मैं ठीक हूं क्योंकि मेरी समझ में आ गया है, मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं है। कभी कभार हम दूसरों की खुशी का ख्याल करके भी अपनी मोहब्बत निभा सकते हैं। मोहब्बत का मतलब हमेशा अपनी झोली भरना तो नहीं होता। गुड़िया, मैंने सब ठीक करने की कोशिश की थी, इसीलिए तो मैं आई हूं तुम्हारे पास, तुम्हें यह बताने के लिए कि अब मजीद कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत को एक एहसास की तरह वसूल किया जाता है, भीख में नहीं। और वैसे भी मैं मजीद अपनी नजरों में शर्मिंदा नहीं होना चाहती। मेरा एडमिशन हो गया, अमेरिका जा रही हूं मैं। तुम और हमदान तो हमेशा से यही चाहते थे ना, तो इसी बहाने तुम दोनों की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। कंग्रेचुलेशंस, कब जा रही हो? बस वीकेंड पर। रजा, मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहती हूँ। कहो, जो कहना तुम कहो, मैं तुम्हारी कभी कोई बात नहीं टालूंगा। कभी कभार दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी छोड़ देने में जो सुकून मिलता है, वो दुनिया की किसी और चीज में नहीं मिलता। लोगों में आसानियां बांटना तो अल्लाह को भी बहुत पसंद है। मुझे लगता है बहुत वक्त गुजर गया खुदगर्जी में, अब बदलने का वक्त है, तो क्यों ना उसकी शुरुआत खुद से की जाए, अपनी बजाय किसी दूसरे की खुशी को पूरा करके की जाए। तुम बताओ क्या करना है। मैं चाहती हूं कि अब हमारी तरफ से हमदान और ऐना के लिए कोई भी प्रॉब्लम खड़ी ना हो, बस अब वो खुश रहे, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो उनको हमारी वजह से। ये मैंने क्या किया है ना बीबी, वो प्याज ब्राउन किए बगैर ही मैंने मटन डाल दिया, अब क्या करूं? मैंने आपको कितनी बार समझाया है प्याज ब्राउन करके फिर मटन डाला करें ना, वैसे कैसे टेस्ट आएगा? अब मुझ पे आप जैसा टेस्ट तो आ नहीं सकता ना है ना बीबी, मैं जितना भी अच्छा खाना बना लूं साहब फिर भी खाए बगैर उठ जाते हैं। क्यों, क्या हुआ उन्हें? जब से आप गई हैं साहब बहुत उदास रहने लगे। ये बात उन्होंने आपको कही है? हर बात जबान से नहीं कही जाती है ना बीबी, सालों से उनके साथ हूँ, उनका नेचर जानता हूँ मैं, इसीलिए आपसे पूछ पूछ कर आइडिया बनाता हूँ ताकि साहब किसी रोज पेट भर कर खाना खा लें। और अब तो गुड़िया बीबी का डर नहीं है मुझे, साहब ने उन्हें भी मना कर दिया। किस बात से? शादी से और किस बात से? रमजानी चाचा, ये क्या कर रहे हैं?
जी साहब जी, आप कब आए साहब जी? जब से आप फोन पे दूसरों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं घर की, तब से खड़ा हूं यहां पे। अंदर आए, ऐना का कुछ सामान है कोरियर करना है। ठीक है साहब जी, आप चले मैं आता हूँ। जल्दी आए, आप चले साहब जी मैं आता हूँ। ऐना बेबी मरवा दिया। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ साहब जी, बहुत गुस्से में। ऐना मुझे जरा बाजार जाना है शॉपिंग के लिए, चलोगी ना मेरे साथ? नहीं अम्मी आप जाएं, मैं क्या करूंगी जाकर, मुझे थोड़ी कुछ लेना है। मैं देख रही हूँ तुम जब से आई हो ना घर में बंद होकर बैठ, बाहर निकलो ताजा हवा में सांस लो, कुछ नहीं तो तुम्हारा मूड ही ठीक हो जाएगा। मेरा मूड ठीक है अम्मी। हाँ देख रही हूँ कितना ठीक है तुम्हारा मूड। से चुपचाप उठो, मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है बेटे। नहीं अम्मी। क्या कह रही हूँ मैं? अच्छा चलो मैं चलती फौरन। जो आपने मुझे दिया था उसमें डिवोर्स पेपर्स थे, मैं वहीं भूल आई थी। साहब जी ये क्लिप देखकर कुछ याद आया, ऐना बीबी की आदत थी ना बेध्यानी में अपनी चीजें इधर उधर फेंकने की। याद है वो दिन भी याद है जब गुड़िया आई थी और मुझे ये क्लिप छुपाना पड़ा था। ऐना बीबी के जाने के बाद आज पहली दफा आपके चेहरे पर हंसी देखी, वो भी ऐना बीबी के जिक्र पर। इस बात का क्या मतलब है अम्बानी चाचा? अब तो गुड़िया बीबी का भी कोई मसला नहीं है साहब जी, आप ऐना बीबी को ले आए ना, ना आपके बगैर वो खुश है ना आप। आपको कैसे मालूम है कि वो खुश नहीं है? उसने बताया क्या? मुझे तो बताती हैं,
रोजाना फोन करके दो दो दफा फोन करके आपकी खैरियत मालूम करती हैं, साहब ने क्या खाया क्या नहीं खाया, आपकी बड़ी फिक्र रहती है उनको। ये तो बस एक फॉर्मेलिटी लगती है। अगर असल में फिक्र होती तो बात तो करती। तो आपने कौन सा उनका हाल पूछा साहब जी? आपसे शिकायत की क्या उसने? नहीं नहीं, शिकायतें क्यों करेंगी, वो ऐसे नहीं है। आखिर 10 साल से आपके साथ रह रहा हूं, इतना तो मेरा हक बनता है ना साहब जी के अच्छे और बुरे की पहचान करा सकूं। साहब जी कोई आया, आप बैठे, मैं देखता हूं। वालेकुम अस्सलाम। हमदान है? हाँ है। आप अंदर हैं, मैं बुलाता हूँ। कैसे हो रजा? मैं ठीक, तुम कैसा? बिल्कुल सही, खुशबाश जैसा दिखाई दे रहा हूं। मैं ना से मिलकर आ रहा हूं। अच्छा किया। कैसी रही मुलाकात? बहुत बदल गई है वो, कॉन्फिडेंट हो गई है। उसी तरह जिस तरह की लड़कियां मुझे पसंद है, बिल्कुल वैसे।
ये तो बहुत अच्छा हुआ, उसने खुद को तुम्हारे रंग में ढाल लिया, जैसा तुम चाहते थे वैसी हो गई है। अब तो तुम्हें कोई मलाल नहीं होगा, कोई शर्मिंदगी नहीं होगी कि तुम किसी अजीब सी मिडिल क्लास लड़की के साथ, है ना? उसके साथ चलते हुए कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं कर सकता। लेकिन वो खुश नसीब मैं नहीं, तुम हो हमदान। क्या मतलब रजा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं समझा नहीं। मैं वाकई सब ठीक करना चाहता था, की बार उसको दिल से अपनाना चाहता था। लेकिन मैंने इतनी ज्यादा ज्यादतियां कर दी, कहना मुझ पर अब भरोसा नहीं कर सकती। मुझे लगा था शायद उसके दिल में अभी तक मैं हूंगा, लेकिन मैंने उसका दिल सिर्फ वक्ती तौर पर जीता था। उसके दिल में अपना घर नहीं बना सका। उसके दिल में तुम हो हमदान, उसकी आंखों में तुम्हारा अक्स है। मेरी तरह गलती करके बाद में पछताना मत। क्या उसने तुम्हें इनकार कर दिया? इनकार तो दूर की बात, मुझसे नफरत का रिश्ता भी नहीं रखना चाहती। Fly across the world with Sahulat, where all your spending gives gold savings. Book tickets, visa or accommodation through Sahulat Travels and get Save Gold 80% on spending.
Don't wait. Book now and start saving gold rewards. ARY Sahulat Bazaar.pk 021-111-00162. Powered by ARY Sahulat Wallet.